अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। नमस्कार, मैं नीरज कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं SMP झारखंड। और अभी अभी मैं यहां पे हाजिर हूं रांची का सुप्रसिद्ध पार्क रॉक गार्डन में, और यहां पे मौजूद कुछ भाइयों से फ्रेंडशिप डे के शुभ अवसर पर, जो कि यहां पे जो छोटी मोटी तैयारी जो कि यहां पे करते आ रहे हैं। और यहां पे आप सभी कोई देख रहे हैं कि RGT के तरफ से भी कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पर मौजूद एक बंधु से मैं जानना चाहूँगा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप सभी। ऑडिशन है यहाँ पे, RGT का ऑडिशन है, तो हम लोग ऑडिशन देने के लिए आए हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी सिंगर हैं, डांसर हैं और जितने भी एक्टर्स हैं, कॉमेडियन हैं, कोई भी हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। RGT 5 हो रहा है, इसका 5 सेशन चल रहा है, तो अच्छी बात है यहाँ पे। एक यंग टैलेंट के लिए अच्छा मौका है यहाँ पे अपने टैलेंट को दिखाने का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ये। अच्छा, आप क्या करते हैं, आप किस चीज़ करने के लिए आए हैं, क्या गाना गाने आए हैं, डांस करने के लिए आए हैं या फिर कॉमेडी करने के लिए आए हैं? मेरा सिंगिंग है यहाँ पे, मैं सिंगिंग करूँगा यहाँ पे, सिंगिंग है, मैं सिंगिंग करता हूँ, प्रोफेशनली भी गाता हूँ मैं, तो यहाँ पे बस ऑडिशन सिंगिंग के लिए आया हूँ मैं। मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत बहुत से जनता लोग आपको देख भी रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ एक या दो लाइन आप हमारे सामने गुनगुना करके दिखाएं। बिल्कुल, अगर फ्रेंडशिप डे है तो फ्रेंडशिप पे कुछ सॉन्ग हो जाए तो। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, तू जिंदगी कसम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कुछ परिवारों से मिलने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं रॉक गार्डन में आपके सामने, और आइए बातचीत करते हैं रॉक गार्डन में मौजूद कुछ परिवार से। जी, कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग नदी ग्राउंड से आए हैं, हिंदपीढ़ी से। अच्छा, नदी ग्राउंड हिंदपीढ़ी से आए हैं, तो यहाँ आने का कुछ खास मकसद? मकसद ये कि घूमने फिरने के लिए, अभी मौसम अच्छा है, यहाँ अक्सर हम लोग आया करते हैं, इसीलिए पूरा परिवार लेकर के आए हुए हैं। जी, आप बोल रहे हैं फ्रेंडशिप डे, तो मैं चाहूँगा यहाँ पे आप फ्रेंडशिप डे के बारे में कुछ बताएं हमें, ताकि जनता इस चीज़ को सुने आपके मुँह से। फ्रेंडशिप डे भी है आज, और संडे का दिन भी है, तो फैमिली साथ में है, तो फैमिली से सब बड़ी कोई भी फ्रेंड नहीं होती है, वही सबसे बड़ी फैमिली है, फ्रेंड है, तो इसलिए हम लोग साथ में आए हैं। अच्छा, ऐसे आप दोस्ती करती हैं? दोस्ती है, लेकिन फैमिली मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे फ्रेंडशिप के बारे में? मेरा परिवार मेरा दोस्त सबसे अच्छा दोस्त, इसीलिए हम लोग फ्रेंडशिप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होती है फ्रेंडशिप, की क्या महत्व विशेषताएं हैं, ये आप हमें बताएंगे। फ्रेंडशिप बहुत अच्छा चीज़ होता है, दोस्ती करनी चाहिए सबसे, और सबसे अच्छे फ्रेंड तो माँ बाप होते हैं, उसके बाद हस्बैंड होते हैं, बस ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि यहाँ पे कुछ परिवार जो कि रॉक गार्डन में घूमने के लिए आए हैं, हमने उनसे जाना, उनका मानना है कि परिवार ही सबसे बड़ी दोस्त है। तो मैं भी आपसे अपील करना चाहूँगा कि गलत दोस्ती में ना पड़े। बोलिए ना कि आप यहाँ पर आए हैं रॉक गार्डन देखने के लिए, कैसा आपको लगा? और मैं यहाँ पे इसी परिवार के कुछ और सदस्य से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा, और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप इस रॉक गार्डन में घूमने के लिए आई हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है आज फ्रेंडशिप डे के शुभ अवसर पर? हमको तो आज यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मेरी माँ बाप नहीं है, लेकिन हम लोग रिश्तेदार के साथ आए हैं, तो ये लग रहा है कि माँ बाप से बढ़ के हैं, और इससे भी मतलब दोस्ती ही बोला जा सकता है। दुनिया में सबसे अच्छा अच्छी दोस्त है ये शाहिन, मेरे हस्बैंड है, वो भी दोस्त है, और ये भी मेरी फ्रेंड है, अच्छी फ्रेंड है। अच्छा, ये मुझे आप बताइए कि आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन से? मेरा फेवरेट एक्टर ऐसे तो कुछ कोई ज्यादा नहीं है, सलमान खान। और
सलमान खान के अलावा और कोई? शाहरुख खान, आमिर खान। अच्छा, ये तीनों खान में से किसी एक खान का मैं डायलॉग आपसे सुनना चाहूंगा। फ्रेंडशिप के ऊपर नहीं बोल सकते भैया। चलिए, आप नहीं बोल पाएंगे लेकिन हम बोल करके सुनाते हैं, उसके बाद आपको बोलना होगा। अच्छा, ठीक है। और मैं शाहरुख खान का आवाज में बोलूंगा और टू कॉपी आपको वो चीज बोलना है इस परिवार के शाहरुख खान के पास, जहाँ पे वो हमारी नकल करेंगे शाहरुख खान के आवाज में। पहले तो मैं इनसे जानना चाहूंगा, क्या आप शाहरुख खान का आवाज में कुछ बोल पाएंगे? कोशिश करेंगे जरूर। पहले आप बोले, अभी आप बोले कहा। अच्छा, पहले मैं बोलूं। हे सुनो ना सुमन, हे सुमन, पापा कहते हैं कभी किसी की बातों को दिल पे ना लेना, हे सुमन। चलिए, ये डायलॉग आप मेरे को बोल। क्या डायलॉग भूल गए। छोड़िए, वो डायलॉग भूल गए। सबसे सिंपल डायलॉग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटना अक्सर होती रहती हैं। बड़े बड़े शहरों में इतनी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। ये तो आप बोल रहे हैं जैसे लगता है कि वो किसी फिल्म का गब्बर बोल रहा है। आप शाहरुख खान के आवाज में थोड़ा कोशिश कीजिए। बड़े बड़े शहरों में तो इतनी छोटी छोटी बातें होती रहती है। जी हाँ, तो ये आपने देखा, इन्होंने इस चीज को करके दिखाया है और तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ और हैप्पी फ्रेंडशिप डे वंस अगेन, थैंक यू। आइए, यहाँ कुछ और प्रशंसक से मिलते हैं, जो कि आज खुशी का दिन है, फ्रेंडशिप डे का दिन है और यहाँ पे ये घूमने के लिए आई हुई हैं, तो इनसे मैं कुछ जानना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रेशमा है। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? रांची। रांची में कहाँ से? लालपुर। अच्छा, लालपुर से आई हैं। और ये जितने भी आपकी सारी फ्रेंड हैं, तो ये बताइए कि आप फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ आई हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं इस फ्रेंडशिप को? देखिए, इस फ्रेंडशिप को मैं इस नज़र से देखती हूँ कि हम लोग स्कूल टाइम से फ्रेंड्स हैं और आज हम लोग फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये विश करते हैं कि लाइफ टाइम हम लोग की ये फ्रेंडशिप जो है वो चलेगी और आप सबों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। चलिए, धन्यवाद। लेकिन आप बोली कि मैं फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो आप लोग तो बैठे हुए हैं भाई, फ्रेंडशिप डे ऐसे सेलिब्रेट होता है बैठ करके? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है साथ, हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। सो इस वजह से तो हम लोग साथ हैं, यही अपने आप में एक बहुत ही अच्छा चीज़ है फ्रेंडशिप डे के लिए। दैट्स वेयर तो हम लोग फोटो भी क्लिक कर रहे हैं, बस साथ है, यही खुशी की बात है। चलिए ठीक है, और आप में से कोई हमें बताएंगे इस फ्रेंडशिप डे के बारे में? इस साल का फ्रेंडशिप डे और साल से कुछ ज़्यादा स्पेशल है, तो हम लोग सब हर साल मतलब हम लोग फ्रेंडशिप डे इसी तरह मनाते हैं और यहीं आते भी है रॉक गार्डन, तो अच्छा लगता है। तो इसी और हमेशा हम लोग इतने ही लोग रहते हैं, इसी तरह मनाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं फ्रेंड लोगों के साथ, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये मेरे को आप बताइए, जैसे कि हमारे भी फ्रेंड हैं तो मैं तो अपने फ्रेंड से लड़ता हूँ, क्या आप लोग भी अपने फ्रेंड से लड़ाई करती हैं? कभी कभी हो जाता है, लेकिन नहीं, वैसा लड़ाई नहीं होता है, हमेशा मतलब अच्छे से प्यार से साथ में और कभी वो लड़ाई नहीं हुई है जैसे कि तुम हमारी शैम्पू यूज़ कर ली, तुम ये यूज़ कर ली, तो मैं तुम्हारा बाल पकड़ के खींच देती हूँ, तो इस तरह की लड़ाई जो कि लड़कियों में आमतौर पर कभी कभी मेरे को देखने को मिलता है, तो क्या आप लोगों के बीच में ऐसा कभी हुआ है? नहीं नहीं, इस तरह का कभी नहीं हुआ है, बल्कि कुछ भी चीज़ का अगर जरूरत पड़ता है तो एक दूसरे से हेल्प मांगते हैं, तो एक दूसरे का हेल्प करते हैं, कि पूछते हैं कि तुम्हारा सामान कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, हाँ हाँ यूज़ कर सकते हैं ऐसा। चलिए आइए, मैं आपको अब लिए चलता हूँ कुछ और फ्रेंड्स के पास, जो कि ये भी फ्रेंडशिप डे स्पेशल बनाने के लिए आपके रॉक गार्डन में पधारी हुई हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगी? अनु। अनु जी, आप मेरे को ये बताइए कि आप फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हैं, तो क्या किस तरह का प्लानिंग करके रखी हुई है आज के बारे में? सिर्फ बैठे रहना है या फिर कुछ और भी करना है? घूमना है, फिर मस्ती करना है और बहुत सारा कुछ। और फ्रेंडशिप डे को आप किस नज़रिए से देखते हैं? दोस्त है तो ज़िंदगी है, दोस्त नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। और दोस्ती जो एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको मुसीबत में भी साथ देता है और खुशी में भी साथ देता है, तो
कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी है दोस्तों के साथ, या फिर आप कुछ ऐसा कुछ किए हो दोस्त के लिए, या फिर कोई दोस्त आपके लिए किया हो जो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे शॉर्ट में? फिलहाल तो नहीं याद है मुझको, इनको पूछिए आपको। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। कभी आपने फ्रेंड की हेल्प भी नहीं की है? फ्रेंड की हेल्प तो की है, वही पूछ रहा हूँ। ओ अच्छा, बट ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि जो डिस्क्राइब कर सके। बस फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंड्स होते हैं, उसको दिल से हेल्प किया जाता है, ये नहीं कि दिखाने के लिए या फिर ये करने के लिए। नहीं देखिए, ये कहना गलत है कि सिर्फ दिल से किया जाता है, ये कहना गलत है कि सिर्फ दिल से किया जाता है। अगर हमें मान लीजिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ, हमारे पैकेट चोरी, पैकेट मरा गई, तो मैं फ्रेंड को ही फ़ोन करूँगा, तो फ्रेंड तो नहीं बोलेगा कि भाई दिल से पैसा दे दे रहे, पैकेट से निकाल करके देगा। से निभाना चाहिए, ये नहीं कि बस दिखाने दिखावे के लिए या मतलब ही के लिए। अगर आप किसी को फ्रेंड्स मानते हो तो दिल से मानो, अगर नहीं मानते हो तो बोल दो कि नहीं मानते, बस दिखाने के लिए नहीं। अच्छा ये बताइए, आपकी तो बहुत सारी फ्रेंड होंगी, तो क्या आपकी फ्रेंडशिप में कभी जमकर वाला लड़ाई हुई है? हाँ हुई है, लड़ाई हुई है, बहुत लड़ाई हुई है। हम लोग बात करना बंद कर दिए थे, रोना हुआ था, सब हुआ था, बहुत ही हम लोग बात तक नहीं किए। बट हम लोग का फ्रेंडशिप ऐसा है ना कि हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, फिर बाद में सब साथ हो ही गए। एक एग्जांपल ये है, जैसे कि एग्जांपल से हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, मेरी भी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या मैं कारण जान सकता हूँ कि क्यों आपका लड़ाई हुआ था इनके साथ, जो कि ये आपसे बातचीत करना बंद कर दी थी, बाद में रो करके फिर आपको मनाई भी? नहीं एक्चुअली जब चार पांच फ्रेंड रहते हैं तो होता है यार, हम लोग एक पीजी में थे और साथ में ही रहते हैं हम लोग हॉस्टल में, तो वह थोड़ा बहुत हो जाता है, बट इट डजंट मीन कि हम लोग दोस्ती तोड़ दें, फ्रेंडशिप। जी चलिए, आपकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहे, यही दुआ के साथ धन्यवाद। आप रॉक गार्डन में आई हैं, क्यों आई हैं ये बताएंगे? डांस के लिए। स्पेशली डांस करने के लिए आई हैं या घूमने वगैरह भी आई हैं? डांस के लिए और घूमने के लिए। अच्छा, घूमने के लिए भी आई हैं। तो यहाँ पे कौन से गाने पे आप डांस कर रही हैं? मनमोहनी। मनमोहनी, चलिए वैसे भी अब मैं आपको लिए चलता हूँ रॉक गार्डन का मुख्य द्वार, जो कि प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे RGT के तरफ से जो यहाँ पे रांची गॉट टैलेंट का ऑडिशन देने के लिए कुछ बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, नन्हे मन्ने बच्चे काफ़ी अच्छी तरीके से सज के, तो मैं उन बच्चों से जानना चाहूँगा कि किस तरह की तैयारी के साथ आए हैं। आप अपना नाम बताएंगे प्लीज़? प्रज्ञा। अच्छा, यहाँ किस लिए आई हैं? डांस करने के लिए। अच्छा, कौन से गाने पे आप डांस करेंगी? आईगिरी नंदिनी। कहाँ से आई हो आप? बुट्टीमोर। बुट्टीमोर, बुट्टी मोड़। इतने दूर दूर से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं ऑडिशन के लिए, आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ जुटी हुई है रॉक गार्डन के सामने। अब हम आ चुके हैं मछली घर, आइए हम देखते हैं। आपने आपको हमने कुछ दिन पहले भी यहाँ का वीडियो दिखाया था, अभी हम करीबन 2 महीने बाद आज मछली घर में पहुँचा हुआ हूँ। आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप सुविधा, खास करके बच्चों के लिए सुविधा यहाँ पे कितनी बढ़ गई है। प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पे जवानों की ड्यूटी दी गई है ताकि किसी कोई दिक्कत ना हो। आइए हम इस मछली घर के अंदर का सीन देखते हैं आपको, और खास करके बच्चों के लिए जो सुविधा भी बढ़ाई गई है उसको लेकर के क्या क्या सुविधा यहाँ पे हुआ है हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी आप यहाँ पे एक झूला लगा हुआ है बच्चों के लिए, बहुत सुंदर सा झूला लगा हुआ है, ये सब अभी नया नया हुआ है इस खास करके मछली घर पार्क में। यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों को एंटरटेन करने के लिए खास तरह का, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इसमें। फुल एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए खास करके इस मछली घर में भी। वीडियो गेम आप देख सकते हैं इसमें, इस समय यहाँ पे वीडियो गेम की भी व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए। सर बताएं खास करके अभी बच्चों के लिए इस पार्क में क्या क्या व्यवस्था अभी नया किया गया है या होने वाला? अभी तो फिलहाल ये नाव है, झूला है, जो कि अभी बहुत अच्छा है बच्चों लोगों के लिए, और अभी कुछ कुछ शोज होते रहते हैं फेस्टिवल में, और ये वीडियो गेम है, बाकी बगल में बंजी जंपिंग है, और 11D थिएटर है, मिरर मेज है, और बहुत सारे चीज़ है जो बच्चों को एंजॉय करने के लिए है मछली घर में।
सेफ्टी के हिसाब से कितना सेफ है मछलीघर? मछलीघर सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है, यहाँ पर हमेशा बॉडीगार्ड्स वगैरह रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी रहते हैं, हर तरीका से सेफ है बच्चे लोगों के लिए और फैमिली पेरेंट्स हर एक लोग के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी देखिए ये नया टाइप का झूला यहाँ पे जो अभी अभी नया लगा हुआ है, बच्चे बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं इस समय। देखते रहें एसएमपी झारखंड चैनल को, सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद, नमस्कार। We'll be right back.